सो लास्ट लेक्चर हम लोग ने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर देखा था हम लोग ने रेशियोज का पार्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग ने देखा था एडमिशन ऑफ पार्टनर में कि से फॉर एग्जांपल अगर तीन पार्टनर होते हैं ए बी एंड सी, तो उसमें से ए और बी ये कौन से पार्टनर हो जाते हैं? ए एंड बी इज ओल्ड पार्टनर, ठीक है, ये दोनों हमारे ओल्ड पार्टनर है ए एंड बी, और उन लोग सी को एडमिट करते, तो सी हमारा कौन सा पार्टनर हो जाता है? तो सी हमारा हो जाता है इनकमिंग पार्टनर, ठीक है, यहां लिखा था मैंने इनकमिंग पार्टनर, ओके। और उसके बाद ए बी एंड सी ये तीनों मिला के कौन से पार्टनर हो गए सर? ये तीनों मिला के हमारे हो गए न्यू पार्टनर, ठीक है। अभी मैंने बोला था जब भी सी बिजनेस में आएगा, ठीक है, तो वो क्या लेकर आएगा सर? जब भी सी बिजनेस में आएगा तो वो दो बड़ी बड़ी चीजें लेकर आएगा। सबसे पहले एक तो कैपिटल लेकर आएगा, ठीक है, और दूसरा क्या लेकर आएगा सर? गुडविल लेकर आएगा। कैपिटल मतलब क्या? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज बिजनेस, ठीक है, जो ओनर अपने बिजनेस में कैपिटल पैसा लेकर आता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो ये तो उसको बाय डिफॉल्ट लेकर ही आना है एट एनी कॉस्ट, ये तो लेकर ही आना है। साथ ही साथ वो क्या लेकर आएगा सर? गुडविल लेकर आएगा, ठीक है। गुडविल मतलब क्या? तो गुडविल मीन्स फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, फ्यूचर में जो होने वाला है प्रॉफिट उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। तो जब जब अगर वो कैपिटल लेकर आएगा, तो कैपिटल लेकर आएगा तो एंट्री क्या होगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ओके। अभी सर जब गुडविल लेकर आएगा तो गुडविल लाने के दो तरीके हैं, दो मेथड है। एक फर्स्ट वन इज गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल ब्रॉट इन कैश। अगर वो कैश में लेकर आया तो टोटल कितनी एंट्री होगी? टोटल तीन एंट्री होगी अगर वो कैश में लेकर आया। तो फर्स्ट क्या है सर? पहला तो कैश अपने पास आ रहा है, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। उसके बाद जैसे ही ये गुडविल मिलेगा, इसको हम लोग कंपलसरी क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूट का एंट्री क्या होगा? तो ये जो गुडविल अकाउंट हम लोग ने क्रेडिट किया था उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। उसके बाद क्वेश्चन में अपने को बोला होगा विड्रॉ, तो विड्रॉ का एंट्री क्या होगा? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। याद रखना एडमिशन ऑफ पार्टनर में पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो क्वेश्चन होगा वो गुडविल के बेस पे होगा, बिकॉज गुडविल का अगर मेथड मुझे नहीं समझा तो मुझे एडमिशन ऑफ पार्टनर में बेटा समझेगा नहीं एडमिशन ऑफ पार्टनर जा कैसे रहे। तो याद रखना ये दोनों भी मेथड अपने को याद रखने हैं और इसकी जर्नल एंट्री भी अपने को याद रखनी है। अभी सर ये अपने को बोला होगा गुडविल ब्रॉट इन कैश करके, अगर मेथड नंबर वन नहीं है बेटा, गुडविल ब्रॉट इन कैश नहीं है, तो क्या हो सकता है सर? गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। अभी सर गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, हाउ टू आइडेंटिफाई गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश? व्हेन क्वेश्चन सेज गुडविल रेज्ड और गुडविल ओपन और गुडविल वैल्यूड और गुडविल क्रिएटेड, मतलब ये चार में से कोई भी एक नाम अपने को दिया होगा, या तो फिर रेज बोला होगा, या तो फिर ओपन बोला होगा, या तो फिर वैल्यूड या फिर क्रिएटेड। तो जब ये चार में से कोई एक नाम दिया है तो गुडविल का कौन सा वाला मेथड? सेकेंड वाला मेथड। सर सेकेंड वाले मेथड में कैश का एंट्री तो आएगा ही नहीं। दूसरा एंट्री क्या होगा सर? गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। सर ये एंट्री सेम है अगर आप देखोगे तो, बट यहां रखना ये ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो एंड ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशियो ओल्ड रेशियो, बस ये डिफरेंस है, ठीक है, मेथड नंबर वन में और मेथड नंबर टू में। मेथड नंबर टू में सेकेंड एंट्री होती है जिसको हम लोग बोलते हैं राइटिंग ऑफ। अभी सर राइटिंग ऑफ का एंट्री क्या होगा? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये कौन से पार्टनर हो गए? ये न्यू पार्टनर हो गए, और इनका रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो। इज दैट क्लियर? ओके। अभी क्या होता है, अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं कि सर क्वेश्चन में क्या क्या दिया जाएगा। गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में अपने को क्या दिया होगा, ठीक है, जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन होगा तो सर क्वेश्चन में अपने को क्या क्या दिया होगा? तो क्वेश्चन में अपने को दिया होगा फर्स्ट वन इज बैलेंस शीट। क्वेश्चन में अपने को क्या दिया होगा? बैलेंस शीट प्लस सम एडजस्टमेंट।
अपने को क्वेश्चन में दिया होगा बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट, अभी अपने को क्या प्रिपेयर करना है, तो वी हैव टू प्रिपेयर क्या क्या बनाना होगा, तो सबसे पहले जो अकाउंट बनता है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। सेकेंड बनेगा दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। थर्ड बनेगा हमारा अकाउंट नहीं होता है, थर्ड हमारा स्टेटमेंट होता है दैट इज बैलेंस शीट, और सर वर्किंग नोट में बनेगा, वर्किंग नोट में बनेगा कैश / बैंक अकाउंट और गुडविल अकाउंट। तो कैश बैंक अकाउंट बनेगा और कौन सा अकाउंट बनेगा, गुडविल अकाउंट। सर हमारा मेन आंसर क्या है, तो हमारा मेन आंसर है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और ये दोनों जो चीजें है ना कैश बैंक अकाउंट एंड गुडविल, ये हमारा वर्किंग नोट में बनेगा। दूसरा सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है ना, इसको कभी कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, अच्छा जो महाराष्ट्र बोर्ड से दे रहे हैं उन लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है, और जो गुजरात बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं उनको कभी कभी क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, सर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, ये दोनों का सेम ही नाम, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा, एंड रिवैल्यूएशन लिखा तो भी मार्क्स मिलेगा। तो क्वेश्चन में हमेशा देखने का, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो नीचे आपको दिया होगा रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, तो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर में अगर बोला प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नाम लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे हम लोग कौन सा नाम लिख देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी हम लोग एक एक अकाउंट करके सीखते जाते हैं कि सर हर एक अकाउंट में क्या क्या बनेगा, ठीक है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, इसमें क्या लिखना होगा। तो सबसे पहले देखते बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का दो साइड होता है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अभी सर डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, तो डेबिट साइड में लिखेंगे ऑल लॉसेस, ऑल लॉसेस, एंड क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, ऑल प्रॉफिट, ऑल प्रॉफिट। अभी सर व्हाट डू मीन बाय ऑल लॉसेस, व्हाट डू मीन बाय ऑल प्रॉफिट, तो याद रखना बेटा हम लोग ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना बेटा, इसमें हम लोग सिर्फ असेट्स एंड लाइबिलिटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, असेट्स और लाइबिलिटी की। व्हाट डू मीन बाय असेट्स, व्हाट डू मीन बाय असेट्स, असेट्स मीन्स एनी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेसमैन ओन करता है, ठीक है। सर असेट्स मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, सर बट ऑलवेज सर असेट्स ही हमारा प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर असेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है, अगर असेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आंसर इट, प्रॉफिट और लॉस आंसर देना है बेटा। इफ माय असेट्स विल इंक्रीज, तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मेरा यामिनी बराबर है प्रॉफिट होगा, क्यों, बिकॉज ये मेरा प्रॉपर्टी है बेटा। अगर मेरी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल हम लोग ने एक घर लिया था, ठीक है, ये हमारा घर है, ठीक है, हाउस है अपना, इसको 50 लैक्स में लिया था, कितने में, 50 लैक्स में, अभी इसका वैल्यू हो गया 60 लैक्स, ठीक है, तो वैल्यू इंक्रीज हुआ ना बेटा, तो इसका वैल्यू इंक्रीज हुआ तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो सर प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख का क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट हुआ।
ठीक है। तो अगर मेरी असेट्स इंक्रीज होती है तो मुझे क्या होता है बेटा, प्रॉफिट। और इसका वाइस एंड वर्सा, वाइस एंड वर्सा मींस सर अगर मेरा असेट्स डिक्रीज हो गया, असेट्स क्या हो गया सर, डिक्रीज हो गया, तो मुझे क्या होगा, अगर मेरा असेट डिक्रीज हो गया तो बट ऑब्वियस मुझे क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, तो अगर मेरा असेट्स इंक्रीज हुआ तो मुझे प्रॉफिट हुआ, अगर मेरा असेट डिक्रीज हो गया तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस। और सर लायबिलिटी का क्या होगा, सर लायबिलिटी ऑलमोस्ट रिवर्स होगा इसका, कैसे सर, लायबिलिटी मींस एनी लोन विच वी हैव टू पे। ठीक है, ऐसी कोई लायबिलिटी है जो हम लोग को पे करनी है, तो इफ माय लायबिलिटी इज इंक्रीज, इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी विल इंक्रीज, तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस। क्या होगा मुझे, लॉस। क्यों, बिकॉज सर पहला मुझे लायबिलिटी से, फॉर एग्जांपल लोन था मेरा 10,000 का लोन था, कितने का 10,000 का, और मैंने इसको पे नहीं किया, इस पे मुझे इंटरेस्ट और लग रहा है 1,000 का। ठीक है, तो अभी मुझे लोन कितना पे करना है, 11,000, मतलब पहले पे करना था 1,000 प्लस उस पे इंटरेस्ट लग गया, और सॉरी पहले पे करना था 10,000 प्लस उस पे इंटरेस्ट लग गया 1,000, अभी वो लोन मुझे कितने में पे करना है, 11,000 में, तो सर मुझे कितने का लॉस हुआ, 1,000 का लॉस हुआ। तो अगर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो मुझे क्या होगा, लॉस, और मेरी लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट। इज दैट क्लियर, कोई डाउट है, यस और नो? नो सर। ओके, तो देखो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में हम लोग ने क्या बोला है बेटा कि डेबिट साइड पे सब लॉस लिखने हैं, तो सर लॉस कब लिखेंगे, तो इफ माय असेट्स विल डिक्रीज, डिक्रीज इन असेट्स, अगर मेरा असेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मैं कहां लिखूंगा उसको, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड पे। इफ माय लायबिलिटी विल इंक्रीज, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, तो भी मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो कि मैं कहां लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कैसे होगा सर, इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन असेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, बस इतना ही है प्रॉफिट एंड लॉस में, इतना ही अपने को समझना भी है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड पे हम लोग लॉस लिख रहे हैं, और सर लॉस मुझे दो रीजन की वजह से होता है, एक अगर मेरा असेट डिक्रीज हुआ तो मुझे लॉस होगा, दूसरा अगर मेरा लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो मुझे लॉस होगा। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड की अगर मैं बात करूं तो सर क्रेडिट साइड में क्या होगा, मैं प्रॉफिट लिखूंगा, अभी मुझे प्रॉफिट कब होगा, अगर मेरा असेट्स इंक्रीज हुआ तो मुझे प्रॉफिट होगा, दूसरा मेरा लायबिलिटी क्या हो गया सर, डिक्रीज हो गया तो मुझे प्रॉफिट होगा। यहां तक कोई भी डाउट है? अभी हम लोग है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में कितने पार्टनर्स होते हैं, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का अगर हम लोग क्वेश्चन करें तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में टोटल 3 पार्टनर होते हैं, ठीक है, एक दो जो पहले से था थे बिजनेस में, ठीक है, और एक को बिजनेस में हम लोग क्या करेंगे, एडमिट करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होगा डेबिट साइड, ये होगा क्रेडिट साइड, और यहां अपना ए बी सी और ये पर्टिकुलर्स, ए बी एंड सी। सबसे पहले क्या होगा, पार्टनर के पास पहले से कुछ कैपिटल होगा, तो हम लोग यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का कुछ कैपिटल पहले से बिजनेस में लगा होगा और बी का कुछ कैपिटल लगा होगा, सी तो अभी तक बिजनेस में आया ही नहीं, प्लस कुछ भी रिजर्व होगा जिसको हम लोग बोलेंगे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, वो ए और बी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद अगर कुछ ड्रॉइंग्स वगैरह कर रहे हैं,
क्या कर रहे हैं, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे जाएगा। अगर ए कर रहा है तो ए के नाम पे, बी कर रहा है तो बी के नाम पे, और अगर सी कर रहा है तो सी के नाम पे। अभी सी अगर बिजनेस में एडमिट हो रहा है तो वो कैश लेकर आएगा, और वो कैश हम लोग कहाँ लिखेंगे, सी के कैपिटल के क्रेडिट साइड। अभी क्या करेंगे, इसको है ना बेटा, हम लोग अकाउंट को क्लोज करेंगे, और इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में, और क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये छोटू सा हम लोग ने प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखा है, इसको डिटेल में हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब अपने को डिटेल में समझेगा। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, सबसे पहले तो आपको क्या स्क्रीनशॉट लेनी, ये तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर किया था, ठीक है। ये गिवन इन द क्वेश्चन एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टेक अ स्क्रीनशॉट बोथ ऑफ यू। तो चलो अभी हम लोग है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन से चालू करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। सर क्वेश्चन में क्या दिया होगा, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन में अपने को क्या दिया होगा, बैलेंस शीट दिया होगा और कुछ एडजस्टमेंट दिया होगा। हमारा मेन मकसद क्या होगा, जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो हमारा मेन मकसद होगा टू फाइंड आउट गुडविल का कौन सा वाला मेथड है। गुडविल का क्या देखना है बेटा, सबसे पहले अपने को गुडविल का मेथड कौन सा है वो देखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। व्हाट डू मीन बाय 2:3, मतलब सर ये दोनों पार्टनर है विक्रम एंड पंजाब, ठीक है। ये दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना कर रहे हैं, 2:3। तो ये कौन सा रेशियो हो गया, ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। मैंने जस्ट आप लोग को बताया था, क्या बताया था कि सर ए और बी ये कौन से पार्टनर होते हैं, सर ओल्ड पार्टनर, और इनका जो रेशो होगा वो कौन सा रेशो होगा, ओल्ड रेशो। अगर उन लोग ने सी को एडमिट किया तो सी क्या हो गया, इनकमिंग पार्टनर, ठीक है। और ए बी और सी ये तीनों मिला के कौन से पार्टनर हो गए, न्यू पार्टनर, और इनका जो रेशो होगा वो कौन सा रेशो होगा, न्यू रेशो, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला है उन्होंने, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज अंडर। अपने को बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2018 का अपने को बैलेंस शीट दिया है। अभी ध्यान से देखना बेटा कौन सी चीज कहाँ जाएगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग कौन सा अकाउंट बनाने वाले। तो कौन सा अकाउंट बनाने वाले, पहले तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे, फिर हम लोग स्टेटमेंट बना रहे, दैट इज बैलेंस शीट, है ना, और कैश बैंक अकाउंट बना रहे, और क्या बना रहे, गुडविल अकाउंट। तो जब मैं बैलेंस शीट पढ़ूंगा तो बेटा जिसका सेपरेट अकाउंट बनाया ना वो उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाएगा, बट जिसका कोई अकाउंट बना ही नहीं है वो डायरेक्टली कहां चले जाएगा, बैलेंस शीट में। अगेन आई एम रिपीटिंग, जिसका सेपरेट अकाउंट बना है वो उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाएगा, बट सर जिसका अकाउंट नहीं बना है वो कहां चले जाएगा, सर बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग यहां सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड पे देखना, लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स, सर क्रेडिटर का कोई अकाउंट नहीं है तो क्रेडिटर डायरेक्टली हम लोग कहां लिख देंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे। अभी कैपिटल दिया है विक्रम और पंड्या का, ठीक है, तो ये कहां जाएगा, सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सर कौन सी साइड पे, बिकॉज ये लाइबिलिटी है तो कौन सी साइड पे जाएगा, सर क्रेडिट साइड पे। कौन से साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे, ओके। तो ये लाइबिलिटी हमारी खत्म हो गई। लाइबिलिटी में सबसे पहले दिया था क्रेडिटर, क्रेडिटर हम लोग ने कहां लिख दिया, लाइबिलिटी साइड पे। सर कौन सी लाइबिलिटी साइड पे, जो सॉल्यूशन में हम लोग बैलेंस शीट बनाने वाले उसके लाइबिलिटी साइड पे। दूसरा कैपिटल, कैपिटल क्या है, सर विक्रम और पंड्या का है, ये कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल की कौन से साइड पे, सर क्रेडिट साइड पे, असेट साइड पे। देखना कैश, कैश तो सर कैश का हम लोग अलग से अकाउंट बना रहे हैं, तो ये कहां जाएगा, सर उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाएगा। बट सर कौन सी साइड पे, बिकॉज ये असेट्स है तो कौन सी साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पे, ओके। लैंड एंड बिल्डिंग, सर लैंड एंड बिल्डिंग का कोई अकाउंट नहीं बना रहे तो लैंड एंड बिल्डिंग कहां जाएगा,
असेट साइड पे, प्लांट भी कहाँ जाएगा असेट साइड पे, फर्नीचर भी कहाँ जाएगा असेट साइड पे, स्टॉक कहाँ जाएगा असेट साइड, डेटर भी कहाँ जाएगा असेट साइड। अच्छा ये समझा कौन सी चीज कहाँ जा रही है, यामिनी और हार्दिक बैलेंस शीट समझा कौन सी चीज कहाँ जा रही है। हाँ हाँ जिसका अकाउंट नहीं बनेगा वो बैलेंस शीट में जाएगा और जिसका रिस्पेक्टिव अकाउंट बना है वो उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ने पोस्टिंग डिस्कस कर ली कि कौन सी चीज कहाँ जाने वाली है। अभी क्या बोला है उन्होंने, दे एग्रीड टू एडमिट अवनी एज अ पार्टनर ऑन 1st अप्रैल 2018। बेटा 1st अप्रैल 2018 को उन्होंने क्या डिसाइड किया बेटा, अवनी को बिजनेस में एज अ पार्टनर एडमिट करने का उन लोग ने डिसाइड किया। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना बेटा, अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब अवनी जब बिजनेस में आएगी बेटा तो उन्होंने बोला है कि सर फ्यूचर में वो कितना प्रॉफिट शेयर करेगी, 1/4। ठीक है, मतलब सर ये जो 1/4 है वो है हमारा आईपीएस, आईपीएस का मतलब होता है इनकमिंग पार्टनर्स शेयर। ठीक है, अभी सर इसके बेसिस पे हम लोग है ना न्यू रेशियो कैलकुलेट करने वाले। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा, बट फिलहाल ये अपने को रेशियो के कैलकुलेशन के लिए काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है बेटा अवनी है तो ही नहीं होगा शी होगा, शी शैल ब्रिंग 37,500 एज कैपिटल। ध्यान से सुनना बेटा, उन्होंने क्या बोला है 37,500 एज कैपिटल उस वो लेकर आई, तो ये हमारा क्या होगा बेटा एंट्री ऑफ कैपिटल। उन्होंने वो बोल रहे कि जब वो आई तब कैपिटल कितना लेकर आई, 37,500 एंड का मतलब क्या होता है सर, सेंटेंस कंटिन्यू है, एंड 30,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। मुझे बताओ सर गुडविल का कौन सा मेथड है, मेथड नंबर वन या मेथड नंबर टू? फर्स्ट वन, गुडविल ब्रॉट इन कैश। गुडविल ब्रॉट इन कैश क्यों, बिकॉज यहाँ क्या बोला है, ही शैल ब्रिंग 37,500 एज कैपिटल एंड 30,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। इट मीन्स यहां से अपने को ये पता चला कि ये गुडविल का फर्स्ट मेथड है, गुडविल ब्रॉट इन कैश। सर जब भी मेथड नंबर वन होगा तो कंपलसरी एंट्री कितनी होगी, दो। पहले हम लोग कैश में लेकर आएंगे फिर उसको क्या करेंगे विड्रॉ करेंगे, तो यहां से अपने को ये पता चल गया कि गुडविल का मेथड नंबर वन है। ओके, उसके बाद क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड 45,000 एंड फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। तो ऊपर जाने का अपने को लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करेंगे हम लोग टिक मार्क करेंगे। टिक मार्क क्यों करेंगे, बिकॉज उस पर एडजस्टमेंट। उसके बाद फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, तो ऊपर जाने का फर्नीचर को टिक मार्क करेंगे। सर अभी टिक मार्क क्यों किया, बिकॉज इस पे डेप्रिसिएशन है, एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट क्या बोला है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आर टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स। तो ऊपर जाने का डेटर को भी टिक मार्क करने का, बिकॉज उसपे क्या है सर एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, द स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड 82,500। तो ऊपर जाने का और किसको टिक मार्क करने का, स्टॉक को टिक मार्क करने का। अभी सर ये क्या किया है हम लोग ने, ये हम लोग ने किया है बेटा जिस पे एडजस्टमेंट है उसको हम लोग ने टिक मार्क किया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, ये वाला जो लास्ट वाला एडजस्टमेंट है ना, ये अभी हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए लास्ट वाला एडजस्टमेंट हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले, इट इज अ कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, ये अभी फिलहाल हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। उन्होंने देखो क्या बोला है, उन्होंने बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट, ये अपने को बोला है। ठीक है, तो हम लोग बना लेंगे बेटा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। यहां तक समझा? ठीक है, सबसे पहले हमारा बनेगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और यहां हमारा रहेगा इन द बुक्स ऑफ तीनों पार्टनर का नाम क्या है, तो विक्रम, पंड्या और अवनी। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ विक्रम, पंड्या और अवनी।
ठीक है, पूरा नाम लिखना है अपने को। ये होगा हमारा डेबिट एंड क्रेडिट, और यहाँ हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस, ठीक है। और ये हमारा उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। अभी सर यहां पार्टनर का नाम आएगा, जैसे कि सबसे पहले कौन था, तो सबसे पहले था विक्रम, ठीक है, फिर पंड्या था, और फिर अग्नि, ठीक है, विक्रम, पंड्या, पंड्या और अग्नि, ठीक है। तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके नीचे हम लोग जो बनाए गए दैट इज बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये हमारा होगा बैलेंस शीट, एज ऑन, बेटा एडमिशन कब हुआ, 1st अप्रैल को, तो एज ऑन 1st अप्रैल 2018, तो 1st अप्रैल 2018 का हमारा बैलेंस शीट बनने वाला है, ठीक है। ये कौन सा साइड होता है, इस तरफ लायबिलिटीज रुपीस, एसेट्स एंड रुपीस, ओके। अभी वर्किंग नोट में दो चीजें बनने वाली है। वर्किंग नोट में पहला कौन सा अकाउंट बनेगा सर, कैश / बैंक अकाउंट, ठीक है, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और दूसरा वर्किंग नोट में कौन सा अकाउंट बनाने वाला है, दूसरा हम लोग बनाने वाले हैं गुडविल अकाउंट। अभी बिकॉज ये वर्किंग नोट है तो इधर शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं। तो इतनी चीजें हम लोग टोटल बनाने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग है ना वर्किंग नोट में हम लोग वो जर्नल एंट्री लिख देंगे जो अपने को पता है, क्या, तो सबसे पहले हम लोग को रेशो लिखना पड़ता है, ठीक है, कि कितने पार्टनर्स का क्या रेशो है क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेशो। मुझे बताओ सर रेशो, ओल्ड रेशो कितना था, तो ओल्ड रेशो हम लोग ने जस्ट क्वेश्चन पढ़ा था और अपने को हम लोग ने टिक मार्क भी किया था। ओल्ड रेशो कितना था, इधर ऊपर अपने को बैलेंस शीट के उधर मिलेगा, ओल्ड रेशो इज 2:3, ठीक है। तो ओल्ड रेशो में यहां लिख दूंगा दैट इज 2:3, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे आईपीएस, आईपीएस मतलब इनकमिंग पार्टनर्स शेयर, और आईपीएस अपने को दिया है 1/4, अगर मैंने अच्छा मैंने आप लोग को वीडियो का एक लिंक भेजा था और बोला भी था कि ये वीडियो अच्छे से देख लेना, उसमें आप लोग ने देखा था बेटा रेशियोस था। अभी हम लोग को कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। अभी सर न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया है 2:3, अपने को आईपीएस दिया है 1/4, तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। अभी सर न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो आईपीएस होता है ना, इसको ध्यान देना है, ये 4 है, न्यूमरेटर में कितना है 1 है, और डिनोमिनेटर में कितना है 4 है, तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से माइनस कर दो, तो 4-1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू 3। अपने को फाइंड आउट करना है न्यू रेशियो। अभी न्यू रेशियो कैसे मिलेगा, तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से माइनस कर दिया तो आंसर कितना आया 3। अभी 3 × 2, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। अभी 3 × 3, तो 3 × 3 कितना हो गया 9। और लास्ट का जो रेशो होगा वो ये दोनों को प्लस करना है, 2+3=5, तो हमारा न्यू रेशो क्या हो गया 6:9:5, समझा समझा ये वाला,
न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट किया हम लोग, ये वाला समझा एवरीवन? यस। ओके, और दूसरा सर सेक्रीफाइस रेशियो कैसे होगा? तो सर व्हेन व्हेन ओल्ड रेशियो एंड आईपीएस गिवन इन क्वेश्चन, व्हेन ओल्ड रेशियो एंड आईपीएस गिवन इन क्वेश्चन, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, देयरफॉर सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू 2:3। इसका मतलब ये, जब क्वेश्चन में अपने को ओल्ड रेशियो दिया है, जब क्वेश्चन में आईपीएस दिया है, तो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? 2:3, और यही हमारा हो जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो। मुझे बताओ सर गुडविल का यहां सबसे पहला जो जर्नल एंट्री हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंट्री ऑफ कैपिटल, क्योंकि मैंने बोला था जब भी पार्टनर बिजनेस में आएगा तो वो दो चीजें लेकर आएगा। तो बताओ एंट्री ऑफ कैपिटल क्या होगा? व्हाट इज एंट्री ऑफ कैपिटल? देखो यहां क्या बोला है, ही शैल ब्रिंग 37,500 एज कैपिटल एंड 30,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। तो इसका मुझे जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा बेटा, इसका मुझे क्या पास करना पड़ेगा? जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 37,500 हम लोग कैपिटल लेकर आ रहे, तो कैपिटल का जर्नल एंट्री क्या होगा? एंट्री ऑफ कैपिटल का व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट है, कैश कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन से पार्टनर बिजनेस में आ रही है? तो कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अवनी आ रही है, तो अवनीस कैपिटल, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अवनीस कैपिटल। अभी कितना कैपिटल लेकर आ रही है सर वो बिजनेस में? तो बिजनेस में लेकर आ रही है 37,500। तो ये हो गया सर उसका एंट्री ऑफ कैपिटल, ठीक है। दूसरा सर बिकॉज ये गुडविल का मेथड नंबर वन है, तो मेथड नंबर वन इसका भी जर्नल एंट्री आना चाहिए। तो सेकंड सर गुडविल का एंट्री क्या होगा? पहला वाला एंट्री क्या होगा? तो कैश आ रहा है, तो एंट्री क्या होगा? कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बिकॉज ये गुडविल का मेथड नंबर वन है। और गुडविल कितना लेकर आ रहे हैं उन लोग? 30,000, तो 30,000 डेबिट एंड 30,000 क्रेडिट। और मैंने बोला था जैसे ही मेथड नंबर वन होगा, पहला एंट्री पास करते ही हम लोग को क्या करना है सर? सेकेंड वाला एंट्री पास करना है। तो सर सेकेंड वाला एंट्री क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला एंट्री, ये जो गुडविल को क्रेडिट किया है वो गुडविल क्या हो जाएगा? डेबिट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। बट सर यहां अपने को पार्टनर का नाम दिया है, तो यहां क्या होगा? विक्रम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या विक्रम ही नाम है ना बेटा इसका? हाँ, विक्रम कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां लिखेंगे विक्रम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पंडियास कैपिटल अकाउंट। अभी सर गुडविल अकाउंट जो क्रेडिट किया था कितना किया था? 30,000, तो डेबिट भी कितने को करेंगे? 30,000। बट सर ये कौन से पार्टनर है? ये ओल्ड पार्टनर है। और कौन सा रेशो? सेक्रीफाइस रेशो, याद रखना बेटा कौन सा रेशो? सेक्रीफाइस रेशो। और सेक्रीफाइस रेशो अपने को कितना दिया है? हम लोग ने कैलकुलेट किया बेटा ऊपर 2:3, कितना कैलकुलेट किया है? 2:3। अभी 30,000 को 2:3 में डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे सर 30,000 को 2:3 में? इक्वेशन देखना बेटा, यहां विक्रम के टाइम का इक्वेशन देखना कैसे कैलकुलेट होगा। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। सर 5 कहां से आया? तो 2+3 इक्वल टू 5। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, सॉल्व दिस इक्वेशन, कितना आता है? 5 6 30, तो ये 6,000 हो गया।
30 बाद में ऐड कर दिया, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू कितना 12000, ठीक है। तो विक्रम का कितना आया 12000, तो पंडिया का कितना आएगा सर, तो 30000 में से 12000 माइनस कर दो, या फिर ये वाला इक्वेशन सॉल्व करो, 30000 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 18000। इज दैट क्लियर? यामिनी समझा क्या ये इक्वेशन सॉल्व किया वो? हाँ समझा। ओके तो जब भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का, जब भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इतनी चीजें अपने को हमेशा लिख के लेनी है। सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले अपने को रेशियो लिखना पड़ेगा, ठीक है। रेशियो लिखने के बाद हम लोग को ये तो कंपलसरी आएगी आएगी, एंट्री ऑफ कैपिटल तो होगा ही होगा, हम लोग को एक जर्नल एंट्री लिख देनी है, फिर गुडविल का जो मेथड होगा वो मेथड के हिसाब से उसकी जर्नल एंट्री लिखनी है। ये सभी का सभी जो होगा वो पूरा का पूरा हमारा वर्किंग नोट में होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे सर, अभी हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे, अब तक जो हम लोग कर रहे थे दैट इज वर्किंग नोट, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखकर हम लोग उसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले पोस्टिंग करेंगे, पोस्टिंग मतलब क्या, जो बैलेंस शीट में है वो हम लोग उसको अपने अपने प्लेस पे लिखेंगे। सबसे पहले क्या दिया अपने को, क्रेडिटर, और क्रेडिटर कहाँ जाने वाला है, लायबिलिटी साइड पे, तो बैलेंस शीट में जाने का लायबिलिटी साइड पे, ये हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट पे जाएंगे हम लोग लायबिलिटी साइड पे और क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर का अमाउंट कितना था, 1,05,000, तो इधर लिखोगे हम लोग 1,05,000, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है सर, विक्रम और पंडिया का अपने को कैपिटल दिया है 75,000, 75,000, तो कहां जाएंगे सर, ये पार्टनर्स कैपिटल है और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, विक्रम में आएगा 75,000 और पंडिया में भी कितना आएगा 75,000। इज दैट क्लियर? ये समझा इतना कि लायबिलिटी का हम लोग ने कहां कहां लिखा इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद कैश, देखो ये कैश है तो कैश का अलग से अकाउंट बनाया हम लोग ने, तो कैश के अकाउंट में जाएगा कौन से साइड पे सर, असेट्स, इसलिए डेबिट साइड पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 7,500, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है अपने को, नेक्स्ट दिया है लैंड एंड बिल्डिंग 37,500। सर लैंड एंड बिल्डिंग कहां जाएगा सर, तो लैंड एंड बिल्डिंग जाएगा असेट साइड पे, तो इधर लिख दिया हम लोग ने लैंड एंड बिल्डिंग कितना 37,500। इसको दो कॉलम आते हैं बेटा, वन मैंने एक ही बनाया है जल्दी जल्दी में, तो ये आएगा 37,500 इनर कॉलम में आएगा, इनर कॉलम में क्यों आएगा, बिकॉज उस पर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट क्या है देखो, यहाँ देखो नेक्स्ट क्या है, प्लांट है, तो यहाँ लिखेंगे प्लांट, प्लांट कितना है 45,000। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर, तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर कितना है, फर्नीचर, फर्नीचर है 3,000, तो यहाँ लिख दिया हम लोग ने, इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज उसपे एडजस्टमेंट है 3,000। नेक्स्ट क्या दिया है, स्टॉक दिया अपने को, तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक को भी इनर कॉलम में लिखेंगे, एडजस्टमेंट है कितना 75,000। नेक्स्ट क्या दिया है अपने को, डेटर, तो डेटर भी कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम में कितना 87,000, ठीक है। ये समझा बेटा, यामिनी? हाँ हाँ। ओके तो हम लोग ने पोस्टिंग किया, अभी हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट में देखो सबसे पहले ये जो है ना एडजस्टमेंट नंबर 2, इसका ऑलरेडी मैंने जर्नल एंट्री लिख दिया है, कैपिटल का जर्नल एंट्री लिखा और किसका जर्नल एंट्री लिखा है, गुडविल का। बस अभी वो जर्नल एंट्री को हम लोग को पोस्ट करना है। जैसे कि जर्नल एंट्री को कैसे पोस्ट करते हैं हम लोग, कैश बैंक अकाउंट डेबिट है, तो कैश बैंक की कौन सी तरफ जाएंगे हम लोग, डेबिट साइड पे जाएंगे, तो ये कैश बैंक के डेबिट साइड पे गए और क्या लिखा, अवनीस कैपिटल कितना 37,500
ठीक है, और अवनीश कैपिटल की कौन से साइड पे जाएंगे सर, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे, क्या लिखेंगे, बाय कैश स्लैश बैंक अकाउंट, और अवनी में जाएंगे और अवनी में लिखेंगे कितना, 37,500, ओके। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, तो कैश बैंक के कौन से साइड पे जाएंगे, डेबिट साइड पे जाएंगे, तो ये रहा हमारा कैश बैंक अकाउंट, उसके डेबिट साइड पे गए और क्या लिखा, टू गुडविल कितना, 30,000, और गुडविल के कौन से तरफ जाएंगे, गुडविल के क्रेडिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे बाय कैश बैंक अकाउंट कितना, 30,000, ओके। तो ये वाला एंट्री भी हम लोग ने कर लिया। अभी थर्ड वाला एंट्री क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू विक्रम्स कैपिटल टू पंडियास कैपिटल, ठीक है, तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएंगे और क्या लिखेंगे, टू विक्रम्स कैपिटल टू पंडियास कैपिटल, विक्रम कैपिटल में कितना आएगा, 12,000, और पंडियास कैपिटल में कितना आएगा, 18,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड पे, क्रेडिट साइड पे, क्या लिखेंगे, बाय गुडविल अकाउंट, विक्रम में आएगा 12,000 और पंडिया में आएगा 18,000। इज दैट क्लियर, कोई डाउट है बेटा इसमें, क्या किया हम लोग ने, जर्नल से उसको लेजर में पोस्ट किया, जो डेबिट में था वो डेबिट में लिखा और जो क्रेडिट में था वो कहां लिखा, क्रेडिट में लिखा, कोई डाउट है बेटा, वो सर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड कितना, 45,000, ऊपर जाओ और देखो लैंड एंड बिल्डिंग था कितना, 37,500, अभी वो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया, 45, मुझे बता मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा, 37,500, यहाँ बैलेंस शीट में देखना बेटा, 37,500 था और वो वैल्यू होके कितना हो गया, 45,000, है ना, तो कितने का एप्रिसिएशन हुआ, तो इधर ऐड करेंगे और लिखेंगे एप्रिसिएशन, कितने का एप्रिसिएशन हुआ, 7,500 का, है ना बेटा, 7,500 से इसका वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, पहले था 37,500, अभी वो कितना हो गया, 45,000, तो कितने से बढ़ा सर, 7,500 से बढ़ा, तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ यामिनी, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो कौन से साइड पे लिखना चाहिए इसको, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके कौन से साइड पे लिखूं मैं, क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितने का प्रॉफिट हुआ, जितने का प्रॉफिट हुआ उतने का लिखूंगा, कितना लिखूंगा, 7,500 का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो अगर मेरा असेट्स इंक्रीज हो रहा है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट का यहां मैंने प्रॉफिट ऐड किया 7,500, यहां देखना बेटा, यहां मैंने अपना प्रॉफिट ऐड किया, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के कौन से साइड पे, क्रेडिट साइड पे जाना चाहिए, ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है उन्होंने, नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है, फर्नीचर आर टू बी डेप्रिशिएट, व्हाट डू मीन बाय डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मतलब उसका वैल्यू क्या हो गया बेटा, कम हो गया, ठीक है, तो हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे और फर्नीचर जहां अपने को दिख रहा है उसको हम लोग लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट बेटा, 10%, तो 3000 का 10% कितना आता है, 300, 300 से उसका वैल्यू कम हो गया बेटा, 300 से उसका वैल्यू कम हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बताना, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, 300 से उसका वैल्यू कम हो गया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो कम हो गया ना, तो लॉस हुआ, लॉस हो गया बेटा, क्या हो गया हमारा, लॉस हो गया, और ये जो 300 हम लोग ने लेस किया है वो हम लोग कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड पे, क्या लिखेंगे, फर्नीचर कितने से, 300। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन कितना परसेंट,
5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम लोग बोलते हैं RDD. क्या बोलते हैं? RDD. कितना परसेंट निकालना है अपने को? 5%. तो डेटर पे जाएंगे और डेटर पे हम लोग लेस करेंगे और लिखेंगे RDD. कितना परसेंट? 5%. तो 5% कितना आएगा सर? 10% आता है 8,700. इसको माइनस करेंगे, 5% निकालेंगे तो यू विल गेट 4,350. यहां से माइनस करेंगे. अभी बेटा डेटर का वैल्यू कम हुआ, बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? डेटर का वैल्यू कम हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो कहां लिखेंगे हम लोग? लॉस हुआ है. और लॉस हम लोग कौन से साइड पे लिखते हैं? डेबिट साइड पे. क्या लिखेंगे? 2RDD. कितना? 4,350. ठीक है. उसके बाद हमारा स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 82,500. बताओ ऊपर जाने का स्टॉक का वैल्यू कितना था? 75,000. अभी वो बढ़ के कितना हो गया सर? 82,500. तो बट ऑब्वियस हमारा स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया, तो इधर जाएंगे और हम लोग ऐड करेंगे और क्या लिखेंगे? रीवैल्यू. कितना? कितने से बड़ा बेटा? 82,500. इधर कितना आएगा? 82,500. कितने से बड़ा? 7,500 से इंक्रीज हो गया. तो हम लोग ने इधर ऐड किया. अभी मेरी असेट्स इंक्रीज हुई, तो बट ऑब्वियस मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ. तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे? बाय बाय स्टॉक. कितने से बड़ा स्टॉक मेरा? 7,500. तो जितना भी एडजस्टमेंट था बेटा हम लोग ने सॉल्व कर लिया. जो भी एडजस्टमेंट था हम लोग ने क्या कर दिया बेटा? सॉल्व कर दिया. अभी हम लोग क्या करेंगे? अकाउंट क्लोज करेंगे. सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करेंगे. ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है इसको क्लोज करेंगे. इसको क्लोज कैसे करेंगे? डेबिट का टोटल करेंगे. क्रेडिट का टोटल करेंगे. क्रेडिट का टोटल देखो कितना है? 7,500. तो क्रेडिट का टोटल कितना हो गया? 15,000. ठीक है, 15,000. और डेबिट का टोटल कितना हुआ सर? 4,650. बताओ सर दोनों में से बड़ा कौन सा है? दोनों में से बड़ा कौन सा है? 15,000. तो जो बड़ा होता है वो दोनों तरफ लिखते हैं. यहां कितना लिखेंगे? 15,000. और यहां भी कितना आएगा? 15,000. मुझे बताओ सर कौन सा वाला टोटल मैंने रॉन्ग लिखा है? डेबिट साइड का है ना सर? डेबिट साइड का टोटल मैंने रॉन्ग लिखा है. क्यों? बिकॉज डेबिट साइड का टोटल कितना है सर? 4,650. बट मैंने लिखा कितना है? 15,000. तो माइनस करना पड़ेगा तब जाके अपने को बैलेंसिंग फिगर मिलेगा. 15,000 माइनस 4,650, यू विल गेट 10,350. इधर बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 10,350. इसको हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. और सर कौन से पार्टनर? पुराने पार्टनर. कौन है? विक्रम और पंडिया. कौन सा रेशो सर? 2:5 और 3:5. चलो 10,350 को 2:5 और 3:5 में डिवाइड करो. डिवाइड करके आंसर बताना मेरे को. कैसे सॉल्व करोगे सर? 4,700 है सर. कितना है? ये आंसर आया 4,140 और 6,210. तो 4,140, 6,210. ठीक है. अब ये डेबिट से कहां जाएगा सर? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे. क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 4,140, 6,210. अभी क्या करेंगे सर? इसको टोटल करेंगे. अवनी का टोटल कितना आ रहा है? 37,500. इधर भी कितना लिखेंगे? 37,500. क्लोज करते हैं तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 37,500. फिर इसको क्लोज करेंगे. ये 75,000 है प्लस 18,000 प्लस 6,210. एडअप करो. एडअप
91,140 इसका आ रहा है, 91,140। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा, 91,140। 75 प्लस 18 बेटा करो कितना आता है, 99,210। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 99,210, जिसको हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। रेनू वामी का आर यू देयर, देख रहे हो ना? हाँ, तो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट से कहा जाएगा सर, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, और विक्रम पंडिया और अवनी, ठीक है, इसका टोटल करेंगे कितना है, 91,140, 99,210 एंड 37,500। एड अप ये सबको टोटल करो बेटा, 91,140, 99,210 and 37,500, add up, total is 2,27,850। अभी क्या करेंगे सर हम लोग, देखो बैलेंस शीट को अपने को टैली करना, ठीक है, तो उसके पहले हम लोग को किसको क्लोज करना पड़ेगा, कैश को क्लोज करना पड़ेगा, तो क्लोज 37,500, 7,500, 14,000, 14,000 और 15,000 प्लस 60,000, तो 75,000, तो 75,000 दोनों तरफ लिखेंगे और अपने को यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा 75,000 और इसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। अभी सर क्रेडिट से कहाँ जाना चाहिए, बैलेंस शीट के असेट साइड पे, इधर लिखेंगे हम लोग कैश बैंक अकाउंट 75,000, ओके। अभी देखो गुडविल अकाउंट टैली होगा, जो डेबिट का टोटल आएगा वही हमारा क्रेडिट का टोटल आएगा, क्रेडिट का टोटल कितना है 30,000 और डेबिट का भी टोटल कितना है 30,000, मतलब मेथड नंबर वन में गुडविल अकाउंट विल टैली। अभी ये बैलेंस शीट को अगर आप टैली करोगे तो यू विल गेट द सेम टोटल, मतलब टैली हो जाएगा अपना बैलेंस शीट, अपना बैलेंस शीट क्या हो जाएगा टैली करते, देखो ये कितना है 2,27,850, उसमें ऐड कर दो 5,000, 1 लाख, तो ये 3 लाख आ गया, 3,05,000 अगर मैं ऐड करूंगा तो 3,32,850, यहाँ का टोटल करो कितना आएगा, तो सर 45 + 45 = 90, 90 + 75, 5, 165, 165 + 82,000, अच्छा ये भी माइनस करना है अपने को, तो ये कितना आएगा 2,700, 87 में से कितना माइनस करना है, 87,000 -4,350, तो 0,5,350 माइनस करना है, तो 82,650, तो ये सबको टोटल करोगे तो यू विल गेट द सेम टोटल 3,32,850। तो सर एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या क्या सॉल्व करना है, अपने को पार्टनर्स कैपिटल सॉल्व करना है, प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करना है, पार्टनर्स कैपिटल सॉल्व करना है और बैलेंस शीट। बट याद रखना अपने को गुडविल का मेथड जानना बहुत ही जरूरी बन जाता है ये वाले केस में, ठीक है, और ये जर्नल एंट्री लिखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।